दोस्तों, अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शिनरुला लिसा को कॉल करती है और कहती है, तुम मटेरियल प्रिपेयर करो, मैं 10 मिनट में कंपनी पहुँचती हूँ। लिसा पूछती है, आज आप इतनी जल्दी कंपनी क्यों आ रही हैं? शिनरुला कहती है, इस टाइम कंपनी को बचाना ज्यादा जरूरी है। शिनरुला कंपनी जाने के लिए निकलती है और शिवेई उसे देखता है। शिवेई याद करता है बचपन में शिनरुला उससे कहा करती थी कि वो उसके साथ चेस कंपटीशन में पोडियम पर जाना चाहती है, पर वो खेलने में अच्छी नहीं है। शिवेई की मॉम शिनरुला से कहती है, तुम शिवेई की बात का बुरा नहीं माना करो, ये थोड़ा रूड है। शिनरुला कहती है, डोंट वरी आंटी, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रेजेंट में बार में एक मैन आता है और वो जियान को एक बच्चे की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? ये फोटो यंग शिवेई की है। जियान पूछता है, ये कौन है? वो मैन कहता है, वेंची। जियान कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमारे बार में बच्चे वर्क नहीं करते। वो मैन बताता है, ये पिक्चर 15 ईयर्स पुरानी है, अब ये बच्चा लगभग 28 का होगा। और क्या तुम्हारे बार में कोई बारटेंडर है जो चेस खेलता हो? जियान कहता है, अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो पुलिस स्टेशन जाओ, ये बार है, वाइन के अलावा यहाँ कोई नहीं मिलता। मैन सोचता है, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिली है? देन वो मैन बिना मतलब जियान को टिप देकर चला जाता है। बार से जाते टाइम वो मैन शिवेई से मिलता है, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। जियान शिवेई से पूछता है, आज तुम बार लेट क्यों आए? शिवेई, ऐसे ही। जियान शिवेई को बताता है, आज बार में एक वियर्ड मैन आया था, वो किसी को ढूंढ रहा था, वो भी उसके बचपन की फोटो लेकर, और उस बच्चे का सरनेम था वेन। शिवेई समझ जाता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। वो जियान से और बातें पूछता है। जियान कहता है, वो उस बच्चे की फोटो 15 ईयर्स पुरानी लिए हुए था, मुझे लगता है वो बच्चा अब तुम्हारी एज का होगा। शिवेई पूछता है, क्या उस मैन ने और कुछ पूछा या बताया हो? जियान बताता है, हाँ, वो पूछ रहा था कि यहाँ कोई बारटेंडर है जो चेस खेलता हो, और उसने मुझे बिना मतलब टिप भी दी। शिवेई सोचता है, इसका मतलब वो वापस आ गया। शिवेई समझ गया है कि उसे कौन ढूंढ रहा है। कंपनी में लिसा शिनरुला को बताती है कि इस टाइम हमारा बिजनेस पूरी तरह बंद हो चुका है, अब हम क्या करें? शिनरुला कहती है, तुम क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करो और अभी तुम जाओ, मुझे अकेले रहना है। शिनरुला अपसेट होती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो कंपनी की सिचुएशन सही कैसे करेगी। शिनरुला देखती है कि एम्प्लॉई जैक कंपनी में ओवरटाइम कर रहा है। जैक कहता है, अभी आप भी तो घर नहीं गई, और वैसे भी अब थोड़ा कस्टमर्स का ओपिनियन चेंज हो रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट्स फिर से चूज करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में। शिनरुला कहती है, इस हार्ड टाइम में कंपनी में सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बस थोड़ी मेहनत और फिर सब ठीक हो जाएगा। घर पर शिवेई अकेला ड्रिंक कर रहा था, वो अपसेट होता है अपने पास्ट की बातें याद करके, और ये सोचकर कि शिनरुला उसे पहचान नहीं पाई कि वो वेंची है, और वो उसके इतने क्लोज जाकर भी नहीं बता पाया कि वो वेंची है। शिवेई इतनी ड्रिंक करता है कि वो ड्रंक हो जाता है। वो बाहर गार्डन में होता है, जब घर पर शिनरुला आती है तो उसे शिवेई कहीं नहीं दिखता। शिनरुला एक्साइटेड हो जाती है कि आज रात वो आराम से घर में अकेले एंजॉय कर सकती है और अपना फेवरेट कार्टून देख सकती है। शिनरुला मजे से कार्टून देख रही थी, फिर उसे याद आता है कि उसे श्यावाई से बात करनी है, वो उसे कॉल करती है। श्यावाई BTS का फैन फिक्शन लिख रही थी। शिनरुला उससे बात ही करती है तभी घर में अंदर ड्रंक शिवेई आ जाता है। शिनरुला उससे पूछती है, तुम घर पर थे? श्यावाई पूछती है, कौन है तुम्हारे घर पर? क्या तुम्हारी फैमिली में कोई और भी है? शिनरुला उसे नहीं बताती कि उसके साथ घर पर शिवेई रहता है। वो कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तुमसे बाद में बात करती हूँ। बेचारी श्यावाई की लिखी हुई पूरी फैन फिक्शन लॉस्ट हो जाती है सेव ना कर पाने की वजह से, शिनरुला के कॉल की वजह से। शिनरुला ड्रंक शिवेई से कहती है, अब से मैं एक और रूल सेट करती हूँ, तुम घर पर ड्रंक नहीं करोगे। शिवेई उसकी नहीं सुनता और ड्रंक किए जाता है। शिनरुला उससे बॉटल छुड़ाती है और कहती है, तुम बारटेंडर हो,
दूसरों को ड्रिंक देते हो और आज खुद क्यों पी रहे हो? शिवेई कहता है, क्योंकि अब मैंने बार बंद कर दिया जिससे अब कोई कस्टमर नहीं है। शिनरुला पूछती है, आज तुम बार क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारी जियान से लड़ाई हुई? क्या ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ? क्या वो लेडी जिससे तुम बार में मिले थे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? शिवेई कुछ बोलता ही नहीं है। शिनरुला ही बोले जा रही थी, कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही तुम सब भूल जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवेई शिनरुला को हक कर लेता है। शिनरुला उसे खुद से दूर करती है। वो कहता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो, तुम्हें देखकर मुझे स्ट्रेंथ मिल गई कल को फेस करने के लिए। शिनरुला कहती है, क्या तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं शिनरुला हूँ। शिवेई फिर भी उससे दूर नहीं होता, उसे हक किए रहता है। देन शिनरुला उसे रूम में लेकर जाती है। शिवेई उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता। शिनरुला सोचती है, क्या ये सच में मुझे कोई और समझ कर ट्रीट कर रहा है? शिनरुला उसके रूम में अपना लकी वाला की रिंग दिखती है, सोचती है ये यहाँ कैसे आया। वो उसे लेती है, उसे वो बॉक्स भी मिलता है जिसे शिवेई ने उसे खोलने से मना किया था। शिनरुला उस बॉक्स में अपने और शिवेई के बचपन के फोटोज देखती है और साथ ही वो चेस जो बचपन में खेला करते थे। शिनरुला समझ जाती है कि ये ही वेंजी है, पर इसने अपना नेम चेंज क्यों किया? शिनरुला को याद आता है लाइव ब्रॉडकास्ट के टाइम स्लीपिंग मोजितो बनाते टाइम उसने कहा था, इसका मतलब है मैं उसे नहीं भूल सकता, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। ये बात उसने शिनरुला के लिए ही कही थी, जो शिनरुला को उस दिन तो नहीं समझ आई बल्कि आज समझ आई। और शिवेई इतने दिनों से उसका ध्यान रख रहा था क्योंकि वो उसे पहचान गया था। शिनरुला सैडनेस और हैप्पीनेस एक साथ फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनरुला ब्रेकफास्ट बनाती है। शिवेई उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शिनरुला कहती है, कोई जरूरत नहीं है, आज तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। शिवेई नहीं मानता और बनाने के लिए इंसिस्ट करता है, पर शिनरुला उसे भगा देती है और कहती है, मुझे एक चांस तो दो। शिवेई बाहर जाकर बैठ जाता है, पर आखिरकार शिनरुला ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती, वो सब कुछ जला देती है। फिर उन्हें बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट के टाइम शिनरुला पूछती है, तुमने अपना नेम शिवेई क्यों रखा? मुझे सरनेम अजीब लगता है। शिवेई, इससे तुम्हें क्या? शिनरुला, पर्सन का नेम उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है, और पर्सन अपना नेम तभी चेंज करता है जब कोई बहुत बड़ा रीजन हो। शिवेई कहता है, खाना खाओ। शिनरुला उसका फेवरेट फूड देती है और कहती है, मुझे लगा ये तुम्हारा फेवरेट है। शिनरुला पीनट लेने वाली होती है। शिवेई उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें तो इनसे एलर्जी है ना? शिनरुला, तुम्हें कैसे पता? शिवेई, बस ऐसे ही गेस किया। शिनरुला सोचती है कितना प्रिटेंड कर रहा है, पर सच नहीं बता रहा, ये वेंची है। और इसी के साथ एपिसोड 5 एंड होता है।